आज मैं आपको क्लास 10 सीबीएसई का इंग्लिश का थर्ड लेसन जो फर्स्ट फ्लाइट बुक से है को एक्सप्लेन करूँगा और लेसन का नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग और इसकी जो फर्स्ट स्टोरी है उसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट और इसको लिखे हैं लायम ओ फ्लेहरी और दूसरी स्टोरी है ब्लैक एरोप्लेन इसके लेखक हैं इसके राइटर हैं फ्रेडरिक फोर्सिथ। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट स्टोरी इसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट को एक्सप्लेन करूंगा और इसके पहले कि आप पढ़ाई में लीन हो जाएं चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करें। आप वीडियो में क्या कुछ चाहते हैं या चैनल पे कैसे वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। द यंग सीगल्स वाज एलोन ऑन हिज लेज छोटा सेगल अपने लेज में अकेला था। लेज पहाड़ी पर या किसी दीवार में एक हॉरिजॉन्टल छिद्र होता है थोड़ा बड़ा सा छिद्र होता है जिसको हम एक खो कह सकते हैं किसी चट्टान में जो खो होती है हॉरिजॉन्टल होती है उसको हम लेज कहते हैं। तो अपने लेज में एक छोटा सीगल था अकेला ही था। हिज टू ब्रदर एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लॉन अवे द डे बिफोर एक दिन पहले ही उसके दो भाई और बहन उड़ के जा चुके थे। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विथ देम वह उनके साथ उड़ने में डर रहा था मतलब अपने भाई बहनों के साथ उड़ने में डर रहा था। Somehow when he had taken a little run forward to brink off the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. किसी तरह से उसने छोटी सी दौड़ लगाई थी किनारे तक लेज के किनारे तक और अपने पंखों को फड़फड़ाने का प्रयास किया था लेकिन वह डर गया था। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेस्ट डाउन बीनथ उसके नीचे एक महासागर फैला हुआ था बहुत दूर दूर तक एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन और यह बहुत लंबा रास्ता था नीचे की तरफ मतलब नीचे की तरफ समुद्र बहुत दूर दूर तक था। माइल्स डाउन और नीचे की तरफ मिलो दूर तक था मतलब ये जितनी ऊंचाई पे था समुद्र से वो मिलो ऊपर था। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम उसने महसूस किया था कि उसके जो पंख हैं उसका साथ नहीं देंगे। सो ही बेंट हिज हेड एंड रन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट इसलिए उसने अपना सिर झुकाया और पीछे की तरफ भाग गया उस छोटे से छिद्र में छोटे से होल में जो लेज के अंदर थी जहाँ पे उसने रात बिताई थी रात में सोया था। इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर एंड हिज लिटिल सिस्टर हुज विंग्स वेयर फॉर शॉर्टर देन हिज ऑन इवन व्हेन जब उसके सभी भाई बहन छोटे थे या और उसकी छोटी बहन हुज विंग्स वेयर फॉर शॉर्टर जिसके पंख उससे भी छोटे थे मतलब उसकी बहन के जो पंख थे उससे छोटे थे रैन टू द ब्रिंक फ्लैप देयर विंग्स एंड फ्लू अवे वे सभी दौड़कर ब्रिंक तक किनारे तक गए ब्रिंक का मतलब किनारा होता है पंख फड़फड़ाए और दूर तक उड़ के चले गए। ही फेल
to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. वह साहस जुटाने में असफल रहा ताकि वह एक उड़ान ले सके. प्लंज मतलब उड़ान होता है. विच अपेयर टू हिम सो डिस्परेट, जो उसको बिल्कुल ही अपने सामर्थ्य के बाहर का लग रहा था. हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम फ्रीली. उसके फादर और मदर, उसके माता पिता उसके चारों तरफ चिल्लाते हुए उसको बुला रहे थे. अप ब्रेडिंग हिम, उसको डांट भी रहे थे. थ्रेटेनिंग, फटकार रहे थे या डरा रहे थे. टू लेट हिम स्टार्व टू हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे, उसको यह बात कह के डांट रहे थे, डरा रहे थे कि अगर वह उड़ेगा नहीं तो इसी लेज में भूखा रहेगा और भूखों मर जाएगा. बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, पर अपनी ज़िंदगी के लिए हिल भी नहीं सका क्योंकि उसको डर लगता था कि अगर वो उड़ेगा तो निश्चित रूप से गिर जाएगा. दैट वॉज 24 आवर्स एगो, ये सब बातें 24 आवर पहले की थी, 24 घंटे पहले की थी. सिंस देन नो बॉडी हैड कम नियर हिम, और तब से कोई भी उसके पास नहीं आया था, ना तो उसके माता पिता ना भाई बहन. द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर एंड सिस्टर. एक दिन पहले उसने दिन भर अपने भाई बहनों को अपने माता पिता के साथ उड़ते हुए देखा था. परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, उसके माता पिता उसके भाई बहनों को उड़ने की कला में दक्ष कर रहे थे. टीचिंग देम हाउ टू स्कीम, उनको स्कीम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और उसके माता पिता उनके उसके भाई बहनों को हवा में कैसे हवा में और पानी में कैसे गोता लगाते हैं, कैसे मछलियों को पकड़ते हैं, ये सिखा रहे थे. स्कीम का मतलब होता है जल के सतह के ऊपर थोड़ा ऊपर उड़ना. तो जल के सतह के ऊपर कैसे उड़ते हैं थोड़ा ऊपर और कैसे गोता लगाते हैं, ये सब चीज़ें उसके माता पिता उसको सिखा रहे थे. ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हियरिंग एंड डिवो. वास्तव में वो अपने बड़े भाई को एक हेरिंग मछली की प्रजाति है, हेरिंग को पकड़ते हुए देखा था और ये भी देखा था वो उसे कैसे मजे लेकर खा रहा है. स्टैंडिंग ऑन ए रॉक व्हाइल हिज पेरेंट्स सर्किल अराउंड रेजिंग ए प्राउड कैकर, और उसका भाई कैसे एक चट्टान पे खड़ा है और उसके माता पिता उसके चारों तरफ सर्किल बना के खड़े हैं और उसकी उसको उसकी गर्व से तारीफ कर रहे हैं. एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विथ हिज कावर्डाइस. एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू, अ पूरी फैमिली उस सीगल की जो सदस्य थे परिवार के वे सभी सुबह सुबह चले गए थे, उड़ गए थे एक पठार की तरफ. प्लेट्यू मतलब पठार होता है, एक बड़े पठार की तरफ. मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ, जो उस चट्टान के अपोजिट दिशा में था, और टॉन्टिंग हिम विथ हिज कावर्डाइस, और उसको ताने मार रहे थे उसकी कायरता के लिए. द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, अब इस समय सूर्य आसमान में चढ़ रहा था, ऊंचाइयों की तरफ जा रहा था. ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड द साउथ,
उसकी लेज पर चमक रहा था प्रकाश, सूर्य का प्रकाश लेज पर चमक रहा था, जिसका जो दक्षिणी, जिस लेज का जो मुहाना था वो दक्षिण की तरफ था। He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. वह बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा तपिस महसूस कर रहा था क्योंकि वह कल रात से कुछ भी नहीं खाया था। He stepped slowly out to the brink of the ledge. वह धीरे से लेज के बाहर किनारे तक आया। And standing on one leg with the other leg hidden, और एक पैर पर खड़ा हुआ और एक पैर को छिपाया हुआ था, अंडर हिज विंग्स, अपने पंखों के नीचे, ही क्लोज्ड वन आई, उसने एक आंखें बंद की, एक आंख बंद की, देन द अदर, फिर उसके बाद दूसरी आंख भी बंद कर ली। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग एस्लीप, और इस तरह से कुछ बहाना बनाया जैसे कि वह सो रहा है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, इसके बावजूद भी उन लोगों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, मतलब उसके परिवार के जो सदस्य थे उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेट्यू डोजिंग विथ देयर हेड्स सैंक इनटू देयर नेक। हिज फादर, ही सॉ हिज टू ब्रदर एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेट्यू, उसने देखा कि उसके दो भाई और बहन पठार पर हैं, डोजिंग विथ देयर हेड्स सैंक इनटू देयर नेक, वे अपने सिर को अपने गर्दनों में धसाए हुए हैं। ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी माँ ही है जो उसको देख रही थी। सी वाज स्टैंडिंग ऑन लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, वह पठार पे थोड़ी सी ऊंचाई पे खड़ी थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड नाउ एंड अगेन, उसका जो वाइट ब्रेस्ट था, छाती था, वह आगे की तरफ फैला। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, आगे की तरफ फैला। सी टोर, थ्रस्ट का मतलब तो ऐसे डूबना होता है, तो उसका जो वाइट ब्रेस्ट था वो आगे की तरफ डूबा। नाउ एंड अगेन, एक बार फिर से, सी टोर एट ए पीस ऑफ फिश, उसने मछली का एक टुकड़ा फाड़ा, दैट ली एट हर फीट, जो उसके पैरों पे पड़ा हुआ था। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, उसके बाद उसने अपनी बीक, अपनी चोंच के दोनों किनारों को रॉक पर रगड़ा तेज करने के लिए। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, भोजन का नज़ारा देख के वह पागल हो गया। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, वह इस तरह से फूड को फाड़ना कितना पसंद करता था। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, और फिर अपनी चोंच को रगड़ के तेज करना और फिर उसको खाना। गा गा गा, ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, वह गा गा करके चिल्लाया और मांगा कि उसके लिए भी कुछ भोजन लाओ। गा कोल आ, सी स्क्रीम बैक डिरी सी विली, उसने फिर से मूर्खतापूर्ण तरीके से चिल्लाया। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, पर उसने शोकपूर्ण तरीके से पुकारना जारी रखा। प्लेंटिवली मतलब होता है शोकपूर्ण। एंड आफ्टर ए मिनट आर सो ही उतर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम, और एक मिनट के बाद उसने एक आनंददायी तरीके से चिल्लाया। His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. उसकी माँ ने एक मछली के टुकड़े को उठाया, पकड़ा और उसकी तरफ उड़ते हुए आई। He leaned out eagerly, वह बहुत ही इच्छा के साथ झुक गया। Tapping the rock, चट्टान को ठोकते हुए with his feet, अपने पैरों से,
trying to get nearer to her as she flew across. उसके करीब आने के लिए कि उसकी माँ जब तक उसके पास आती. But when she was just opposite to him, लेकिन जब वो ठीक उसके विपरीत दिशा में था, she halted, वो रुक गई. Her wings motionless, उसके जो पंख थे स्थिर हो गए, गति विहीन हो गए. The piece of fish in her beak almost within reach to his beak. The piece of fish in her beak almost within reach to his beak. The piece of fish in her beak, मछली का वो टुकड़ा जो उसके चोंच में था, बीक में था, within reach to his beak, जो लगभग उसके चोंच में पहुंचने ही वाला था, जो टुकड़ा उसकी माँ के चोंच में था, वो उसके चोंच में पहुंचने ही वाला था. He waited a moment, वह एक क्षण के लिए इंतज़ार किया. In surprise, काफ़ी चकित होकर. Wondering why she did not come nearer, उसे आश्चर्य हो रहा था कि आखिर वह नज़दीक क्यों नहीं आ रही. And then maddened by hunger, और उसके बाद भूख से पागल हो गया. He dived at the fish, वो मछली की तरफ गोता लगाया. With a loud scream, एक तेज चीख के साथ, he fell outwards and downwards into space. वो नीचे की तरफ, वो बाहर की तरफ और नीचे की तरफ गिरा उस स्पेस में जो लेज और समुद्र के जल के बीच का था. Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. तभी एक राक्षसी डर या अत्यधिक डर उसको बिल्कुल सीज्ड कर दिया, बिल्कुल स्थिर कर दिया, और उसका के हृदय में उसका हृदय बिल्कुल शांत हो गया. He could hear nothing, वो कुछ नहीं सुन सका. But it only lasted a minute, लेकिन बस ऐसा एक मिनट तक ही रहा. The next moment he felt his wings spread outwards, अगले ही क्षण उसने पाया, उसने महसूस किया कि उसके जो पंख हैं बाहर की तरफ फैल गए हैं. द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर, और जो हवा है उसके छाती के पंखों के बीच से दौड़ रही है. देन अंडर हिज स्टोमक, उसके बाद फिर उसके पेट में हवा जाती है. एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके पंखों के विपरीत जाती है. ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, वो महसूस किया कि वह कैसे अपने पंखों को हवा के विपरीत, हवा को कैसे काट सकता है अपने पंखों से. ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉक नाउ, अब वह सिर के बल नहीं गिर रहा था. ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, अब वह उड़ान भर रहा था धीरे धीरे, कभी नीचे की तरफ कभी आगे की तरफ. जो शुरुआत में जो सीधा गिरने लगा था, तो अब वो गिर नहीं रहा था बल्कि आगे की तरफ उड़ान भर रहा था धीरे धीरे, कुछ नीचे भी जा रहा था. ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब वह ज़्यादा देर तक नहीं डरा. ही जस्ट फेल्ट ए बीट डिजी, उसने थोड़ा सा चक्कर भी महसूस किया. देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस, तब उसने अपने पंखों को एक बार फिर से फड़फड़ाया. एंड ही सोर्ड अपवर्ड, और फिर वह ऊपर की तरफ उड़ गया. गा 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 पुल आ, हिज मदर स्पोक्ड पास्ट हिम, उसकी माँ उसके पास से गुजरते हुए गा गा की आवाज़ की. हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइज, और उसकी जो पंख थे तेज आवाज़ बना रहे थे, तेज आवाज कर रहे थे. ही एंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम, उसने अपनी माँ को दूसरी चीख के साथ जवाब दिया. देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीम, उसके बाद उसके पिता उसके ऊपर से उड़ते हुए और चीखते हुए गुजरे. ही सॉ हिज टू ब्रदर एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, उसने देखा कि उसके दो भाई और बहन उसके चारों तरफ उड़ रहे हैं. कर्वेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, कूदते हुए और उछलते हुए और आगे की तरफ उड़ते हुए और कभी कभी गोता लगाते हुए.
देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई। अब वह पूरी तरह से भूल चुका था कि वह नहीं उड़ सकता, मतलब वह उड़ सकता है उसको विश्वास हो गया था। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाई एंड सोर एंड कर्व सीकिंग श्रीली, और उसने अपने आप को सौंप दिया, कमेंडेड मतलब सौंपना, गोता लगाने के लिए और उड़ने के लिए, कर्व में कभी ऊपर कभी नीचे, और चिल्लाते हुए। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो समुद्र के नज़दीक था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और इसके ऊपर बिल्कुल सीधे उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, उस समुद्र के ऊपर बिल्कुल ही स्ट्रेट था, स्ट्रेट सामने से समुद्र पे उड़ रहा था। ही सॉ ए वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, उसने अपने नीचे एक हरा बड़ा समुद्र देखा। विथ लिटिल रिज मूव ओवर इट, और जिसमें छोटी छोटी तरंगें थीं जो मूव कर रही थीं। ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज, उसने अपने बीक को अपनी चोंच को अगल बगल घुमाया। एंड काउड एम्यूज्डली, और खुशी के साथ का का किया। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन हिज ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, उसके माता पिता और भाई बहन एक हरे से फर्श पर उतर चुके थे, रुक चुके थे, जो उसके सामने की तरफ था, जिस तरफ उड़ रहा था सीगल। दे वेयर बिकनिंग टू हिम कॉलिंग श्रीली, वे इसको चिल्लाते हुए बुला रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड एंड द ग्रीन सी ऑन द ग्रीन सी, उसने अपने पैरों को नीचे की तरफ गिराया उस हरे समुद्र पर खड़ा होने के लिए। हिज लेग सैंक इनटू इट, और उसके पैर इसमें डूब गए। ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, वह ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट, वह डर से फिर से चिल्लाया और फिर से उठने का प्रयास किया और अपने पंखों को फड़फड़ाया। बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन वह काफ़ी थका हुआ था। एंड वीक, और काफ़ी कमज़ोर भी था विथ अंगर, भूख के कारण। एंड ही कुड नॉट राइज, और वह उठ नहीं सका। एग्जॉस्टेड बाई द स्ट्रेंथ एक्सरसाइज, इस नई कसरत, इन जो नई अत्यधिक कसरत थी, इस कारण से वो थका हुआ था, उठ भी नहीं सका। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके जो पैर थे उस हरे समुद्र में डूब गए। एंड देन हिज बेली टच्ड इट, और उसके बाद फिर उसके पेट ने पानी को छुआ। एंड ही सैंक नो फर्दर, और वो इसके बाद और नहीं डूबा। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वो इस पे तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और उसके चारों तरफ उसकी परिवार के सदस्य चिल्ला रहे थे, प्रेजिंग हिम, उसकी तारीफ कर रहे थे। एंड देयर बीक्स वेयर ऑफरिंग हिम स्क्रैप ऑफ डॉग फिश, और उनके जो चोंच थे उसको डॉग फिश के टुकड़े दे रहे थे। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, वो अपनी पहली उड़ान कर चुका था।